हेलो फ्रेंड्स उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी को डिस्कस किया था आज मैं आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी की कौन सी डायमेंशनज हैं उसके बारे में बताऊंगी और पॉजिटिव साइकोलॉजी को मार्टिन सेलेगमन ने कैसे डिफाइन किया है वो भी इसी में होगा मीन्स मार्टिन सेलिगमैन ने एक सिंगल जो है वो डेफिनेशन नहीं दी है पॉजिटिव साइकोलॉजी की उन्होंने जो है वो तीन डायमेंशंस बताई हैं और इसी तरीके से जो है मार्टिन सेलिगमैन ने पॉजिटिव साइकोलॉजी को डिफाइन किया है तो आज हम उसी को स्टडी करेंगे तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी को मार्टिन सेलेगमेन ने किस तरह डिफाइन किया है पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो फोकस है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्री एरियाज के ऊपर है मींस थ्री एरियाज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है उसको जो है वो स्टडी किया जाता है थ्री एरियाज़ कौन कौन से हैं सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव लेवल आता है ह्यूमन एक्सपीरियंस का दूसरा होता है इंडिविजुअल लेवल और तीसरा आता है सोसाइटल लेवल मीन्स हम एक तरह से इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस होते हैं एक है सब्जेक्टिव लेवल एक है इंडिविजुअल लेवल और तीसरा है सोसाइटल लेवल इन तीन एरियाज़ को जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टडी करती है वन बाय वन देखते हैं कि ये एरियाज हैं क्या सब्जेक्टिव लेवल क्या है इंडिविजुअल लेवल क्या है और सोसाइटल लेवल क्या है अकॉर्डिंग टू मार्टिन सेलिगमैन तो मार्टिन सेलिगमैन क्या कहते हैं कि सब्जेक्टिव लेवल क्या है सबसे पहले क्या है आपको पता हो कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है तो सब्जेक्टिव जो टर्म है ना वो यूज़ की जाती है कि विद इन अ पर्सन माइंड एक पर्सन के माइंड में जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या जो चीज़ टेक्स प्लेस हो रही है उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मीन्स राइट नाउ आपके माइंड में किसी भी इंसान को लेके या किसी भी इवेंट को लेके जो भी सोच चल रही है या जो भी चीज़ किसी इंसान के लिए किसी इवेंट के लिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए एग्जिस्ट कर रही है आपके माइंड में राइट right नाउ उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो सब्जेक्टिव लेवल में क्या है पॉजिटिव साइकोलॉजी लुक्स सेट पॉजिटिव सब्जेक्टिव स्टेट्स और पॉजिटिव इमोशंस सब्जेक्टिव लेवल में पॉजिटिव साइकोलॉजी किस चीज़ को स्टडी करेगी कि राइट नाउ आपके अंदर जो पॉजिटिव स्टेट्स हैं या जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उसको स्टडी करेगी पॉजिटिव साइकोलॉजी सब्जेक्टिव लेवल में मीन्स राइट नाउ आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके किसी इंसान को लेके किसी इवेंट को लेके या कुछ भी हो सकता है वो उसके लिए आपकी पॉजिटिव स्टेट होना आपका उसके लिए पॉजिटिव इमोशन होना लाइक like, हैप्पीनेस होना जॉय होना लाइफ के साथ सेटिस्फेक्शन होना रिलैक्सेशन होना लव इंटीमेसी और कंटेंटमेंट कंटेंटमेंट भी हम हैप्पीनेस को कहते हैं और इन कहा जाता है क्लोज रिलेशनशिप्स को या क्लोज फ्रेंडशिप या अटैचमेंट को तो सब्जेक्टिव लेवल में हम बात करते हैं इन पॉजिटिव इमोशंस की और पॉजिटिव स्टेट्स की सेकेंड लेवल आता है इंडिविजुअल लेवल इंडिविजुअल लेवल में मार्टिन सेलिगमेंट ने क्या कहा है पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो फोकस है वो इंडिविजुअल के जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं उसके ऊपर होता है मींस इंडिविजुअल लेवल में पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है पॉजिटिव इंडिविजुअल ट्रेड्स को वो ट्रेड्स कौन कौन से हो सकते हैं लाइक करेज रेजिलियंस ऑनेस्टी विजडम ऑप्टिमिज़म जो कि आपके एक टाइम पीरियड के लिए एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपके अंदर जो है वो सेम होते हैं उनको जो है वो स्टडी करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी इंडिविजुअल लेवल में थर्ड आता है सोसाइटल लेवल सोसाइटल लेवल में क्या आता है पॉजिटिव साइकोलॉजी का फोकस किस पे होता है कि पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उसकी डेवलपमेंट उसकी क्रिएशन और उसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी का फोकस होता है सोसाइटल लेवल में पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं लाइक स्कूल्स हो गए मस्जिद हो गई चर्च हो गए मंदिर हो गए मीनस ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव नॉलेज जो है वो मिल रही है एक पॉजिटिव इन्वामेंट जो है आपको प्रोवाइड हो रहा है तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना सोसाइटल लेवल में अगर हम मज़ीद बात करें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इन इश्यूज को एड्रेस करती है कि जो सिविक वर्चूल हैं सिविक हम कहते हैं सिटीजन को शहरी को तो एक सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं जो पॉज़िटिव क्वालिटीज़ होना एक शहरी में ज़रूरी है उसकी डेवलपमेंट में जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होती है हेल्दी फैमिलीज़ की क्रिएशन में पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है हेल्दी फैमिलीज हम यहाँ पे इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारी अगर हम बात करें फ़िज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ की तो फिज़िकल हेल्थ भी हमारी जो है वो मेंटल हेल्थ से ही रिलेट होती है और एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होना या हमारे माइंड का हेल्दी होना भी ज़रूरी है अगर हमारा माइंड हेल्दी है उसमें पॉजिटिव इमोशंस हैं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड हमारी है तो हमारा सारा जो काम होता है वो अच्छे से हो रहा होता है तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हेल्दी फैमिलीज़ को क्रिएट करना उनको अवेयरनेस देना तो ये भी जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी में आता है द स्टडी ऑफ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट एंड पॉजिटिव कम्यूनिटीज़ इसके अलावा जो एक इन्वायरमेंट है वर्किंग इन्वायमेंट कैसा होना चाहिए एक पॉजिटिव या एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है लाइक like, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए वहाँ पे आ, लोगों पे बर्डन जो है जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन पर कितना बर्डन जो है वो होना चाहिए कितना वर्क लोड होना चाहिए अगर स्टूडेंट्स हैं उनका क्लास का इन्वामेंट कैसा हो कि वहाँ पर वो ख़ुशी खुशी, -खुशी आए वहाँ पे ख़ुशी खुशी पढ़ें एक स्ट्रेसफुल इन्वामेंट ना हो तो उन हेल्दी एनवायरनमेंट को बिल्ड करना उसको क्रिएट करना उसको डेवलप करने में भी पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक रोल होता है और इसके अलावा जो पॉजिटिव कम्युनिटीज़ हैं उसमें भी पॉजिटिव साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है तो मार्टिन सेलिगमैन ये कहते हैं कि टोटल हमारे पास थ्री लेवल्स हैं जो कि इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं इंडिविजुअल लेवल सब्जेक्टिव लेवल और सोसाइटल लेवल तो पॉज़िटिव साइकोलॉजी जो है इन तीनों लेवल्स को स्टडी करती है इन तीनों लेवल्स पे जो है वो काम कर रही होती है ये जो मैंने आपको लेक्चर दिया है जिसका नाम है डायमेंशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी अगर मतलब क्वेश्चन आता है डायमेंशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी तो भी हम यही लिखते हैं अगर पूछा जाता है कि मार्टिन सेलेगमन ने कैसे डिफाइन किया है पॉजिटिव साइकोलॉजी को तो वो भी जो है इन्हीं तीन डायमेंशनस के थ्रू ही हम लिखेंगे ये मार्टिन सेलिगमैन ने जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी को तीन डायमेंशंस में जो है वो डिफ़ाइन किया है जो कि हैं सब्जेक्टिव लेवल इंडिविजुअल लेवल एंड सोसाइटल लेवल सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट डायमेंशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़